रिक्शा से आप पहुंचे हैं आगरा के किनारी बाजार। बहुत भीड़ है। ये भीड़ नहीं, वोटर हैं। अब ये वोटर किसके सपोर्टर हैं? बात करेंगे तब तो पता चलेगा। रिक्शे से उतरूंगी, बाजार में लिए चलूंगी, लोगों से जानने की कोशिश करूंगी। शॉपिंग करते खाते पीते लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब किया जाए और जनादेश से पहले जनता का मूड भाप लिया जाए। मैं मनोज अधिकारी आपको लिए चलेंगे रिक्शे से इस कमाल के सफर पर। अजय भाई सारथी है, ले जाएंगे आगे तक, छोड़ेंगे हमें मेन मार्केट में। चलिए अजय भाई ने हमें ला दिया है मार्केट में। यहाँ भीड़ तो खूब दिख रही है, सारा आगरा यही शॉपिंग करने आता है जी। और वो टूरिस्ट कहाँ जाते हैं? बाहर वाले ताजमहल घूमने के लिए, ताजमहल घूमने जाते हैं। चलो भैया गड्डी आगे बढ़ाओ, हम अपनी गड्डी से उतर जाते हैं रिक्शे से और शुरुआत करते हैं। अजय भाई शुक्रिया। सरकार कैसी है मोदी जी वाली, एक नंबर की दो नंबर? एक नंबर की, बढ़िया है। हमें तो अच्छे लगे मोदी योगी दोनों। अच्छे लगे? बताओ जब कोई अच्छा ही लग जाए तो क्या ही पूछे। हमें तो बढ़िया लगे। क्या देख के बढ़िया लगते हैं? कमल का फूल देखते हैं। कमल का फूल देख, राठी कमल का फूल है ना। क्या बात कर रही है, और आपकी मुस्कुराहट का राज कमल का फूल। सही में आगरा में ये जो महिलाएं हैं मैडम, ये तो कह रही है हमारी मुस्कुराहट का राज कमल का फूल है। आपका? हमारा भी कमल का फूल है। इस बार फिर से मोदी माता लक्ष्मी का वो है फूल, कमल का फूल। सरकार कैसी है तुम्हारी? बढ़िया। कौन है सरकार? मोदी। अरे बाप रे, कैसे जोर से बोली भाभी। मोदी मोदी। क्या है? प्रधान। प्रधान जी, प्रधान जी इस बार क्या है माहौल? मोदी जी जीत जाएंगे? पढ़ी लिखी जीतेंगे बिल्कुल। पंजाब वाला कांग्रेस कहाँ जाएगा? पंजाब हमें किसी से मतलब नहीं है, लेकिन हमारे मोदी जरूर आएंगे। कमल का फूल साइकिल या पंजा? कमल का फूल। चाचा यहाँ पे तो महिलाएं बड़े जोश में कह रही है कमल का फूल है। कमल का फूल है ये। आगरे में कमल का फूल ही आगरा। ओनली फॉर बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। भाई भाई भाई। हाँ सर, आपने रिक्शे को रोक के अपनी बात कहने की सोची है, बताइए। बीजेपी सेक्टर संयोजक मांडूगढ़ जिला जालौन। बताइए, हम जनता ढूंढने मिले थे, संयोजक जी मिल गए जी। क्या माहौल है बताइए? माहौल बहुत अच्छा है बीजेपी का। और ये मुस्लिम वोटर्स और मायावती जी के वोटर क्या कह रहे हैं? वो भी अपने आप में आए गए, आप में आ गए। सपा के लोग भी आ गए हमारे साथ में। प्रबल सिंह आ गए। काफी लोग आ गए, जमीला सब लोग आ गए आगरे में, कमला नगर में। मतलब काफी विकास करा है, काफी मतलब अच्छा खासा विकास करा है। और हम बीजेपी को मैं MALLB हूँ। जो जितने भी नेता सब भ्रष्ट है ऊपर से नीचे तक, कि हम सीएम भी हम सही हो सब बेकार है। सीएम ठीक है बाकी बेकार है, संत बाकी सब बेकार नेता ऊपर से नीचे तक। खाली सीएम पीएम ठीक है? पीएम सही है। हाँ बिल्कुल, एक उलट है, सब भ्रष्ट ऊपर से। पीएम सही है। पीएम सही है, फिर से वही है कि कोई और है? नहीं फिर से वही। आगरा क्या कह? आगरा पीएम नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बनेगी बिल्कुल जी। मोदी जी को लाएगा, मोदी जी को। क्या बात कर रहे हैं? 100% SP सिंह बघेल पूर्ण बहुमत से 200,000 से ऊपर। यहाँ पे पूरा जो गलत जाति का तो मतलब टोटल मतलब करीब करीब 80-85% जो बीजेपी को ही वोट देगा। मुस्लिम वोटर्स जो आगरा में निर्णायक होते हैं, मुस्लिम वोटर का वोट बटा हुआ है। किसमें बटेगा? मतलब कुछ कल कुछ कांग्रेस में भी जाएगा, मुलायम सिंह में भी जाएगा, मायावती का पता नहीं है, खेल बिगड़ जाएगा। और हमारा तो बीजेपी को ही जाएगा। मोदी जी आए या कोई और? नहीं मोदी जी आए। क्यों? अच्छा काम करते हैं। महंगाई नहीं है? नहीं महंगाई तो है, अब हिसाब से मत करो वोट मोदी जी को। अरे फिर भी कोई मोदी, महंगाई है है बहुत है, मोदी जी को ना दो वोट। क्यों? वो मोदी जी आएंगे फूल तिलक फुल फुल तरीके से वही आएंगे मोदी जी। 100% इस बार फूल है, बाकी पंजा और साइकिल भूल है, कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। 5,000 का सिलेंडर भरवा लेंगे, लेकिन वोट मोदी जी को ही देंगे। बाप रे इतना पैसा है भैया, जरूरी है, हिंदुत्व की लहर है जी, जय श्री राम। भाई अगर बत्ती उठाए हम आंटी से कुछ पूछे उससे पहले ही कहती कमल ही आएगा। अब तो जिस दिन से वोट डालना शुरू करा है उस दिन से ही कमल को डाला है, और जिंदगी कमल में ही जाएगी। अब तो मोदी जी तक कोई सवाल ही नहीं है, मोदी जी के सिवा कोई दूसरा संभाल नहीं सकता है देश को। क्यों? इतने 70 साल तक तो कांग्रेस संभाली थी। नहीं नहीं नहीं, हम तो मोदी जी के साथ ही रहेंगे। मोदी जी, मोदी और योगी इनकी जोड़ी बनी है तो देश बना है। मोदी जी ठीक है? और ठीक है एकदम बढ़िया।
तुम्हारे दोस्त की तरह? हाँ हमारे दोस्त की तरह एकदम सही सही। दो नंबर एक नंबर देख के बोलो एक नंबर कौन? मोदी जी। इटली ले रहे हैं? हाँ। पसंद है आप? हाँ। सरकार कौन सी पसंद है? हैं? सरकार कौन सी पसंद है? सरकार बीजेपी। और क्या क्या खास है उसमें? आज क्या सभी काम कर रही है, वो विकास हो रहा है सब। बताइए सरकार किसकी बनाएंगे इस बार? सरकार मोदी की बनेगी। मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? साड़ी तो आप पे अच्छी लगी रही। मोदी जी ऐसे इसलिए अच्छे लगते हैं कि सब कुछ कर रहे हैं भाई। मोदी जी गरीब के सहारा दे रहे हैं। मोदी जी ठीक है या कोई और चाहिए? मोदी भाई सही, मोदी सही है। कौन चाहिए भाई? मोदी जी आएंगे या कोई और आए? मोदी जी आएंगे और कौन आएगा दोबारा? भाई एकदम नई नवेली बहू दिख रही है भाभी। नई शादी हुई है? हाँ जी। अरे वाह बहुत मुबारक हो। और ये कौन है सामने? मम्मी जी है। सासू माँ जी। खाते खाते जरा ये बताइए बहू रानी, मोदी सरकार या कोई और? ऑफ कोर्स मोदी सरकार। इसमें कोई दो राय क्यों नहीं है? देखिए जो हमारे देश में लव जिहाद जैसा मामला है, राम मंदिर एक अलग बात है, लेकिन जो लव जिहाद है उसके लिए हमारे योगी सरकार ने एक्शन लिया, इसलिए मोदी सरकार। इसलिए आपको अच्छी लगती है? बिल्कुल। आपने आपके जान पहचान में कोई लव जिहाद का मामला हुआ है क्या? हाँ हमारी सोसाइटी में एक हुआ था। तो इसलिए आप अवेयर हैं? दिल्ली में जी जी, वहाँ केजरीवाल की सरकार है इतना नहीं कर पाते हैं वो, बट यहाँ यूपी में बहुत अच्छा है ये। अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। आपको कौन ठीक लग रहा है? भाई मुझे भी मोदी सही लग रहा है, आपको सही बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल से हैं आगरा में? मैं आगरा में तो जब से हमारी शादी हुई है 94 से। हाँ जी शादी से ही है, ससुराल है यही। तो बदलाव आया है कुछ? हाँ क्यों नहीं बदलाव, बहुत कुछ बदलाव आया है। खुश हैं आप उस बदलाव? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगरे वाले सरकार किसकी बनाए, उन्हें कौन पसंद आएगा? आगरे वाले की सरकार, आगरे में जिसकी सरकार या आगरे वाले जिसकी सरकार बनाना चाहते हैं, मैं एकदम छोटी सी लाइन बोलूंगा, जय श्री राम। मेरे माथे का तिलक और मेरे मुंह से जय श्री राम, ये बिल्कुल साफ शब्दों में बता रहा है कि आएंगे तो मोदी जी। आप लोगों की सीख है या आपने आप से सीखे? नहीं नहीं मेरे बच्चे हैं, हमारी सीख से ये सीख रहे हैं। लाडले आपके सही कह रहे हैं, आपके सुपुत्र जी। प्यार आ गया मम्मा को एकदम। इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे देश में और हमारे यूपी में मिल गया, मेरा तो पेट भर गया। चलिए काम के साथ साथ प्यार मिला, वो डोसा मिला, आप रुलाएंगी क्या? गजक तो बड़ी अच्छी है। सरकार कैसी है आपकी? सरकार भी बहुत बढ़िया है। यही चलेगी कि बदलेगी? यही चलनी है सरकार तो। बदलेगी नहीं? नहीं, ये मोदी जी का राज है। राज है बिल्कुल। जो सामान जो योगी जी ने और मोदी जी ने दे रखा है खाने पीने का, तो उसमें क्या अधिकतर लोग आधे से ज़्यादा परसेंट तो सब बेच देते हैं। हमारा कहना ये है भले उनको चाहे आप 2 रुपए किलो दीजिए या 5 रुपए किलो दीजिए, पर पैसे जरूर लीजिए, उससे इज्जत नहीं बढ़ रही है। बस ये है वोट बैंक तो सही हो रहा है। उत्तर प्रदेश की गली गली में बसी राजनीति, लोगों को जानकारी खूब रहती है। यहाँ पे खाने पीने सोने और चाय पीने के साथ लोग एकदम राजनीति से चौकस रहते। ABP News आपको रखे आगे।